नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं प्रणेंद्र। एक बड़ी खबर आ रही है पुलिस महकमा से छनकर, और खबर यह है कि 8 थानों में नए थानाध्यक्ष भेजे गए हैं। और जो सूची, प्रारंभिक सूची जो हमें आई है, हालांकि इस सूची पुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने इसमें पुलिस अधीक्षक से बात किया तो उनका कहना था कि अभी हम ऑफिशियल जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी आईजी साहब का अनुमोदन होना बाकी है, अनुमोदन के लिए उन्हें भेजा गया है। लेकिन अपुष्ट तौर पे ही जो जानकारी है उसमें 8 थाने, इतना जरूर उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ थानों में थानाध्यक्ष 6-7-8 का संख्या उन्होंने बताया, तो करीब करीब 8 की सूची हमें मिली है। और उसमें यह है, लेटर नंबर 1892/2023 के माध्यम से ये तबादला आदेश जारी किया गया है। और जो जानकारी है उसमें ये है कि इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार को पुलिस लाइन नवादा से थानाध्यक्ष मुफसिल बनाया गया है। इसी प्रकार नवप्रोन्नत इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार यादव को मेस्कौर थाना से, जो अभी मेस्कौर थाना में थानाध्यक्ष थे, इन्हें हिसुआ का थानाध्यक्ष बनाया गया है। इंस्पेक्टर सूरज कुमार जो कि सीतामढ़ी में अब तक कार्यरत थे SHO, इन्हें कौआकोल का थानाध्यक्ष बनाया गया है। सब इंस्पेक्टर, इसके बाद 3 इंस्पेक्टर हुए, और इसके अलावा 5 सब इंस्पेक्टर को थानाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें धीरज कुमार सिंह नमदारगंज थाना में कार्यरत थे, ये इन्हें शाहपुर OP का प्रभारी बनाया गया है। सब इंस्पेक्टर राजीव पटेल प्रभारी अभियोजन कोषांग नवादा, इन्हें गोविंदपुर का थानाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा संजीत राम, सब इंस्पेक्टर संजीत राम शाहपुर OP प्रभारी थे, इन्हें सिरदला का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर श्रवण कुमार राम, ये अपर थानाध्यक्ष अकबरपुर थे, इन्हें थानाध्यक्ष मेस्कौर बनाया गया है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर रश्मि कुमारी अपर थानाध्यक्ष नरहट, इन्हें थानाध्यक्ष सीतामढ़ी बनाया गया है। कुल जमा 8 थानों में नए थानाध्यक्ष भेजे गए हैं। और हमें ये लगता है कि ये जो सूची हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कन्फर्म सूची ही होगी, सिर्फ अनुमोदन मिलना बाकी है, इसलिए SP साहब इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सूची के बाद भी हमें ये लगता है कि जो ये 8 थानों में से कुछ थानाध्यक्ष जो हटाए गए हैं, जो वर्तमान में थे, उनको कहीं पदस्थापन नहीं दिया गया, जिसमें हिसुआ के थानाध्यक्ष मोहन कुमार हैं, कौआकोल के प्रभार में जो अभी थे इंस्पेक्टर हो चुके हैं शहबाज आलम या इमाम कुछ नाम है इनका, इसके अलावा गोविंदपुर के थानाध्यक्ष श्याम कुमार पांडे, सिरदला के थानाध्यक्ष सरोज कुमार इन्हें हाल फिलहाल कुछ सुर्खियों में थे, विवादों में आए थे शराब उराब के मामलों को लेकर के, इन्हें भी हटा दिया गया है। तो ये जो जानकारी मिल रही है इसमें ये जो 4 जो थानाध्यक्ष हैं जिन्हें कहीं दूसरे जगह पदस्थापन की कोई सूचना, सूची इस लेटर नंबर में नहीं है, तो इसका मतलब ये मान के चल सकते हैं कि अभी और कुछ और तबादला पदस्थापन होना है। ये प्रारंभिक तबादला पदस्थापन की सूची है, आने वाले दिनों में कुछ और तबादला आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक कयास ये लगाया जा रहा था कि इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर जो हो गए उन्हें SHO वैसे थाना में नहीं बनाया जाएगा जो अधिसूचित है सब इंस्पेक्टर के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। SP साहब के द्वारा जो तबादला किया गया है जिसमें नवप्रोन्नत इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार यादव को मेस्कौर से हिसुआ बनाया गया है, हिसुआ सब इंस्पेक्टर के लिए अधिसूचित है। इसी प्रकार सूरज कुमार को सीतामढ़ी से कौआकोल भेजा गया है, कौआकोल थाना भी सब इंस्पेक्टर के लिए अधिसूचित है, लेकिन वहां भी इंस्पेक्टर को भेजा गया है। तो खैर, जैसा कि SP साहब का कहना है कि उनका कहना मानना है कि थानाध्यक्ष का पदस्थापन और ये करना विशेषाधिकार है पुलिस कप्तान का, SP का, तो कर सकते हैं, लेकिन और उसमें कुछ कहता है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन बात यही है कि ले दे करके कि कहीं कहीं 8 थानों में नए थानाध्यक्ष भेजे गए हैं, और कुछ और सूची जल्दी सामने आ सकती है, इसकी उम्मीद अभी बरकरार है। तो बने रहिए आप नवादा लाइव के साथ, जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।